पढ़ता ही नहीं है। स्क्रीन दिख रहा सबको? देखो तो हेडफोन ना हो रहा। हाँ हेडफोन बोलो। सबको दिख रहा है? शीतल देखिए, शीतल ये आपका डाउट था क्वेश्चन का, ये कैसे बनाएंगे इसको। क्वेश्चन को ढंग से देखिए क्या कहता है। सॉल्यूशन A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. ठीक है, यहाँ पे by mass दे रखा है। ठीक, मतलब 300 का 25%, ठीक है, और 400 का 40%, ठीक है, ये दोनों यूज किया जा रहा है एज ए सल्यूट। एज ए सल्यूट इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। देखो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सल्यूट है या सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में
में इस जगह पे लिया गया है कि बाय मास ऐड किया जा रहा है, 25% और 40% बाय मास ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये हम यहाँ से क्लियर करेंगे कि इन दोनों का 25% और 40% एज अ सॉल्यूट यूज हो रहा है, तो जो क्वांटिटी यहाँ निकल के आएगी और जो क्वांटिटी यहाँ निकल के आएगी पूरे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कितना होगा हमारे पास, तो टोटल हमने कितना लिया, एक्चुअल में हमने लिया है 700, ठीक है। 400 यहाँ पे है और 300 हमारे पास यहाँ पे है, ठीक। तो टोटल हो गया 700। अब इस 700 में हमारे पास सॉल्यूट कितना है, तो सॉल्यूट हमारा मान लीजिए इसको अगर हम सॉल्यूट 1 माने, इसको अगर हम सॉल्यूट 2 माने, तो इस 700 में S1 प्लस S2 दोनों होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्युबिलिटी के हिसाब से इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक। यहाँ से हम ऐसा करेंगे कि मास परसेंटेज निकाल लेंगे, तो S1 प्लस S2 जो आएगा हमारा, इसको हम डिवाइड करेंगे 700 से, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये हमको परसेंटेज दे देगा कि अभी 700 में सॉल्यूट जो है S1 सॉल्यूट और S2 सॉल्यूट हमारा कितना है, ठीक है। अब जब ये आ गया तो हमारा फाइनल आंसर चला आएगा, ठीक है, समझ में आया शीतल? शीतल क्लियर हुआ? ठीक है, ये बना के आप आंसर अपडेट कर दो, कितना आंसर आता है। और किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है, असाइनमेंट 2 में किसी को डाउट है कहीं पे? ठीक ठीक है सुरेश, असाइनमेंट 2 में किसी को डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो आज मैं थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करूंगा, थर्ड चैप्टर आपका। देखो 33.5 जो है वो आपका सॉल्यूट का परसेंटेज आएगा, और जो 66.5 आ रहा है वो आपका सॉल्वेंट का परसेंटेज आएगा, ठीक है। आंसर दोनों ठीक है, तो हमें जब भी परसेंटेज पूछा जाए तो हम आंसर में दोनों का परसेंटेज निकालेंगे। अभी जो 33.2 और 33.5 जो आ रहा है वो आंसर आपका सॉल्यूट के लिए है, और जो 66.5 आ रहा है वो आपका सॉल्वेंट के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर चालू करूं? क्या बोलिए शीतल? सिक्स असाइनमेंट का ये क्वेश्चन 2.6
6.6 हाँ, क्या डाउट है, कहाँ डाउट है सर? बोर्ड नहीं, मैं पीडीएफ खोल रखा हूँ। पीडीएफ दिख रहा है क्या? देखिए पीडीएफ दिख रहा है सबको? पीडीएफ नहीं दिख रहा क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी एमएल ऑफ हाउ मेनी एम एल ऑफ 0.1 मोलर एच सी एल। आपको यहाँ पे वेट निकालना है, ठीक, किसका? तो एच सी एल का। कब? इसकी जब मोलारिटी दे रखी है तब। लाइट ऑन कर दो, फ्लाइट। अब दिख रहा है क्या स्पेन? चलो ठीक, देखिए क्या है कि हमको यहाँ पे वेट निकालने के लिए बोल रहा है किसका, ठीक है। ये उसमें HCl का वेट निकालने के लिए कह रहा है, कब? जब यहाँ पे मोलारिटी हमको दे रखा है 0.1 m आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 1 gram मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ। मतलब वेट है, वेट यहाँ पे दे रखा है 1 gram, और इस 1 gram में किसका किसका वेट दिया है? तो इसका भी वेट दिया है और इसका भी वेट दिया है इस 1 gram के अंदर ही। लेकिन कहता क्या है कि दोनों का जो एक दोनों क्या है, इक्विमोलर है। तब देखिए एक के वेट को x मान लिया गया तो दूसरा कितना हो जाएगा, ये 1 minus x, ठीक। देन मोलर मास निकाला है, ये आपको समझ में आता है। देन नंबर ऑफ मोल्स निकाला है, ये भी आपको समझ में आता है। उसके बाद फिर से मोलर मास है NaHCO3 का, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकाला है दोनों का। अब यहाँ पे कहता क्या है कि दोनों इक्विमोलर हैं, इक्विमोलर हैं, तो यहाँ पे दोनों को हम इक्वेट करेंगे x का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। और सेम चीज किया गया है कि दोनों को इक्वेट करके यहाँ पे देखिए x का वैल्यू निकाला गया, तो x जो आया हमको 0.5579। तो जो हमने यहाँ पे लिया था वैल्यू कि एक का वजन हमने x माना, दूसरा का 1 minus x, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा का 1 minus x माने उसका वैल्यू यहाँ से निकाल के लेंगे, ठीक है। फिर देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, और इसके वजह से हम क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल के लेंगे। हमको मास मिल गया, अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल के लेंगे। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया हमको, Na2CO3 का भी और NaHCO3 का भी। अब देखिए कहता क्या है क्वेश्चन कि HCl रिएक्ट कर रहा है इन दोनों के साथ एक साथ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन HCl प्लस Na2CO3,
अब यहाँ देखो ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है, हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ध्यान से देखिए, एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है सॉल्ट और वाटर, प्लस विद द इवोल्यूशन ऑफ अ CO2 गैस। यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो रहा है, क्योंकि सॉल्ट और वाटर हमको मिल गया तो यहाँ CO2 बचेगा, तो CO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस निकलेगा। तो सेम कंडीशन इस रिएक्शन के साथ भी है। ठीक है, आपको यहीं पे समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे हो रहा है, तो इसका सिंपल रीजन है, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हमको सॉल्ट और वाटर देंगे, और चूंकि इसमें CO कार्बन भी है तो कार्बन एज अ गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देख, अब जनरल जनरल हमारा ये टर्म है, हम जो जनरली यूज करते हैं स्टाइकियोमेट्री, वो स्टाइकियोमेट्री हम यहाँ पे लगाएंगे। वन मोल ऑफ Na2CO3 रिएक्ट्स विद टू मोल ऑफ HCl। ठीक है, देखो यहाँ पे एक मोल Na2CO3 का दो मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, और तब जाके हमको ये रिएक्ट प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो सिमिलरली हम दूसरे रिएक्शन के लिए भी लिखेंगे कि वन मोल ऑफ NaSCO3 रिएक्ट विद वन मोल ऑफ HCl। ठीक है, और वही स्टाइकियोमेट्री यहाँ पे लगाने के बाद हमने वेट कैलकुलेट किया है। चलिए अब आप फिर से वापस एक बार इसको देखिए, अभी डाउट है किसी को समझने में? आपको मेनली वो रिएक्शन समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, वो रिएक्शन वही है, एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर देगा, क्योंकि कार्बन भी इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस निकाल देंगे। और कोई डाउट है इस असाइनमेंट में? और कोई डाउट है इस असाइनमेंट में और किसी क्वेश्चन में? आप सबके पास न्यू सिलेबस है ना, कौन कौन सा टॉपिक्स रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस से? ठीक है, तो आप उस हिसाब से देख के ही पढ़ेंगे क्या क्या है क्या नहीं है। देखो ऑनलाइन में पढ़ने में सच में बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से देख देख के चलेंगे क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वरना पता पड़ा सब कुछ पढ़ रहे हैं और वो पूछने वाला ही नहीं। एक बार सिलेबस आप भी रखेंगे, मेरे पास भी है और आप भी देखेंगे, मैं तो देख ही रहा हूँ, आप भी देखते रहिएगा। चलो देखो पीडीएफ दिख रहा है आपको, पीडीएफ सबको दिख रहा है? ठीक है, सिलेबस हम भेज देंगे, सिलेबस व्हाट्सएप में डाला गया है वैसे, लेकिन फिलहाल चलो पीडीएफ दिख रहा है ना अभी। ठीक, देखिए अभी आपका चैप्टर है, ये थर्ड चैप्टर है आपका, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम है इस चैप्टर का। तो वो चैप्टर का जो नाम है, ये दो हिस्सों में अगर हम इसे बांटे, अगर इसे हम दो हिस्सों में तोड़े तो हमको एक हिस्सा मिलेगा इलेक्ट्रो शब्द और दूसरा हमें मिलेगा केमिस्ट्री का शब्द। तो ये जो शब्द है ये बना है इलेक्ट्रिकल से, और ये तो हम सब जानते हैं क्योंकि वही सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये शब्द है केमिस्ट्री। अब देखो इलेक्ट्रो आया इलेक्ट्रिकल से, मतलब यहाँ पे जो है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वॉल्व होना चाहिए।
और यहाँ पे क्या होना चाहिए, केमिकल एनर्जी, मतलब एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, उसको हम कहेंगे केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इस चैप्टर का मोटिव क्या है, इस चैप्टर में हम बेसिकली यही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कैसे जाए और केमिकल से इलेक्ट्रिक में कैसे जाए, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसका हम बेसिक इसमें सारा कुछ पढ़ेंगे, इस चैप्टर का मतलब ही यही है। साउंड नहीं आ रहा, तो आप अपना म्यूट हेडफोन चेक कीजिए, बाकी सबको आ रहा साउंड क्या, सबको साउंड सुनाई दे रहा है? तो थोड़ा बहुत नेटवर्क आप भी चेक कीजिए, ठीक है, जियो का नेटवर्क प्रॉब्लम करता है इसलिए मैं जियो से नहीं पढ़ाता, तो आप भी अपना नेटवर्क थोड़ा बहुत चेक कीजिए। चलो आगे देखते हैं, डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी रिलेशनशिप अलॉन्ग विद देयर इंटर कन्वर्जन इज नोन एज इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का रिलेशनशिप पढ़ते हैं और एक को दूसरे में कैसे बदला जाए उस चीज को पढ़ते हैं। देन इसमें सबसे अहम चीज है रेडॉक्स रिएक्शंस। देखिए रेडॉक्स रिएक्शंस आप सबने पढ़ा है पहले भी, और सबसे अहम हिस्सा होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब एक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए तो एक का रिडक्शन होगा ही होगा, तो अगर दूसरे का रिडक्शन हो रहा है तो पहले का ऑक्सीडेशन होना ही चाहिए। ठीक है, redox reaction forms the basis of electrochemistry and which is also the basis of production of electrical energy, matlab redox reaction jo hai wahi electrochemistry ka base hai aur usi ke wajah se humko electrical energy ka production dekhne ko milta hai. abhi redox reactions hai kya, wo hum sab ne matlab aapko padhaya hai 11th mein redox reactions kehte kisko hai, to generally kya hai iska jo naam hai रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें दो चीजें हैं वापस से, एक तो है रेड और एक है ऑक्स। ठीक है, मैंने आपको इसका हिंदी नाम भी बताया था, इसको हिंदी में आप लाल बैल भी कह सकते हैं। ठीक है, रेड मतलब लाल कलर को समझ लीजिए और ये ऑक्स का मतलब बैल को आप समझ। तो ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में चलता है। ठीक, दुनिया में ऐसे कोई रिएक्शंस नहीं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना होता हो, इसकी भी अलग अलग थ्योरीज है समझने के लिए। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए। जैसे ऑक्सीडेशन जो है ये हमेशा क्या कहलाएगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसका, तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो जाहिर सी बात है जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि एक अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा लेने वाला भी होना चाहिए, एक अगर कर्जदार है तो एक सूदखोर भी होता है। यहाँ एक एग्जांपल लिखा है मैंने, Cu2+ + Zn, हमको ये रिएक्शन होके मिल रहा है Cu और प्लस Zn2+ + इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक फेमस रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कई बार यूज किया जाता है और इसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिकल सेल्स वगैरह बनते हैं। देखिए यहाँ पे कि इस जगह पे जिंक का जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और कॉपर का +2, तो यहाँ पे कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है और यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर ने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, और जिंक ने क्या किया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। ठीक, तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और
कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हीट एनर्जी हमको देखने को मिलता है। जो ये इलेक्ट्रिकल सेल होता है उस कंडीशन में हमको क्या मिलता है, हीट एनर्जी देखने को मिलता है जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। तब ये जो हीट एनर्जी है ये कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज करते हैं। तो ये इसका बेसिक फंडा है कि हाउ केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो केमिकल एनर्जी यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है वो इस रिएक्शन के वजह से मिल रहा है, और इसी रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यही हीट हमको क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको सप्लाई कर रहा है। Then, redox reactions, chemical reaction involving oxidation and reduction process simultaneously is called redox reaction. वैसे chemical reactions जिसमें oxidation और reduction साथ में होता हो हम उसको redox reaction कहते हैं। Chemical reactions involving transference of electrons from reducing agent to oxidizing agent is called redox reaction. इसका ये दूसरा definition भी आप कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, नाम बदल जाएगा। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम कहेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाम सिर्फ बदल देंगे हम लोग, मतलब नाम को हम रिवर्स करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर जैसे इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो कॉपर क्या कर रहा है, इसको मदद कर रहा है ऑक्सीडेशन में, ठीक है। कॉपर यहाँ पे जिंक की मदद कर रहा है ऑक्सीडाइज होने के लिए, मतलब ऑक्सीडेशन के लिए, और उसी जगह पे जिंक क्या कर रहा है, तो कॉपर को रिड्यूस होने में मदद कर रहा है, ठीक है। मतलब एक तरह का जो है ये इसके लिए मेडिएटर का काम करता है, एक एजेंट का काम करता है। तो जिंक जो है एक एजेंट का काम कर रहा है कॉपर के लिए, तो इस वजह से जिंक को रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, और कॉपर जो है जिंक के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ताकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो सके, इसीलिए हम कॉपर को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग। तो नाम इसी वजह से इसका उल्टा पुल्टा होता है। Then, oxidation process, the loss of electron from the species such as atoms, ions or molecules is called oxidation. चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, किसी से भी अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। एंड the substance undergoing oxidation is called reducing agent. जैसे यहाँ पे जिंक है, जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम कहेंगे reducing agent. Then reducing क्या है, the gain of electrons by the species such as atoms, ions or molecules is called reduction. And the substance undergoing reduction is called oxidizing agent. यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है इसीलिए हम इसको कहेंगे oxidizing agent. नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम क्या देखेंगे कि वो सेल जिससे हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक फिगर है हमारे पास, देखो यहाँ पे जिंक ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया गया है, यहाँ पे CuSO4 का सॉल्यूशन लिया गया है। ये पोर्शन हमारा कैथोड हम रखते हैं जिसका रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे जिंक का एक रॉड है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड जिसको हम नाम देंगे, ठीक है। देखिए जो रिएक्शन हमने ऊपर देखा है वही रिएक्शन यहाँ पे चलाएंगे, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन है, जो कैथोड है वो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, जो एनोड है वो हम नेगेटिव साइन लेंगे। उसके बाद जो कन्वेंशनल करंट है वो कन्वेंशनल करंट इधर से निकल के इधर की ओर फ्लो करेगा,
कन्वेंशनल करंट हमारा जो है वो कॉपर से निकलेगा और जिंक की तरफ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो करेगा किधर से किधर की ओर, जिंक से कॉपर की ओर। मतलब जिंक यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, इस वजह से जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर और जो है वो किस में जाएगा, तो इस कॉपर में जाएगा। ठीक, उसके बाद कॉपर का क्या हो रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। देखिए इसके बाद इधर साइड में जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम एल एच ई से भी डिनोट करते हैं, और इधर साइड में जो इलेक्ट्रोड होता है इसे हम आर एच ई से भी डिनोट करते हैं। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड और इसका मतलब है राइट हैंड इलेक्ट्रोड। इसका अगर हम नाम लिखें तो लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड और यहां चलाएगा राइट हैंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये इसका नाम है। हम लोग कई बार जो है कैथोड एनोड के जगह हम एल एच ई और आर एच ई भी यूज करते हैं। अब देखिए इसमें और क्या है, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है वोल्टेज सप्लाई को नापने के लिए। उसके बाद एक सॉल्ट ब्रिज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये इसके कनेक्शन को कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को ये कंप्लीट करता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को कंप्लीट करता है और काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है इस केस। यहाँ पे KCL यूज किया गया है, इसके जगह पे HNO3 भी यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों काफी मतलब ये दोनों कॉमन है जो यूज किया जाता है इस केस। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज जो है इस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को, ये पूरे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को जो है वो कंप्लीट करता है। देन अब देखिए इसमें प्रोसेस क्या है और ये कैसे चलता है। तो यहां पर देखो ZN रॉड, ये जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे इसमें तो ZN 2+ में ब्रेक करेगा और SO4 2- में। वैसे ही यहाँ पे होगा Cu 2+ और SO4 2-। ये ऐसे ब्रेक करेंगे दोनों। देखिए जिंक रॉड से क्या है कि जिंक जो है ZN 2+ रिलीज होगा। क्यों रिलीज होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे लॉस होगा, तो अपने आयंस के रूप में लॉस होगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर से निकल के कहाँ जाएगा, कैथोड में जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, इस रॉड में जो कॉपर का रॉड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीमेंट होता है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो यहाँ से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जो कॉपर है वो क्या करेगा, इधर से इधर ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा। और जैसे 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 कॉपर ट्रांसफर होगा वैसे वैसे हमको यहाँ पे मास का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, एक मास हमको बढ़ता हुआ इधर देखने को मिलेगा। तो इससे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर ट्रांसफर हो रहे हैं जिंक से कॉपर की तरफ, और इस सॉल्यूशन से हमारा जो कॉपर है वो इस जिंक रॉड में जा रहा है। इसी के जगह पे इस जिंक का क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ से आयंस ट्रांसफर होंगे सॉल्यूशन में वैसे वैसे इसका जो मास है वो डिक्रीज करना चालू कर देगा और ऐसा हमको ये दिखेगा। ठीक है, हमको ये ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ दिखाया है लाइन से, ये एक्चुअली डिक्रीमेंट ऑफ मास हो जाएगा जिंक का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इंक्रीमेंट ऑफ मास हो जाएगा किसका, कॉपर का। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है और निकल के कहाँ जा रहा है, तो कॉपर।
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घट रहा है वो कैसे बैलेंस होगा, तो इस सॉल्यूशन में जाके बैलेंस करेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कॉपर में, इसका इलेक्ट्रॉन्स कैसे बैलेंस होगा, यहाँ जो कॉपर है वो क्या करेगा, यहाँ से इधर ट्रांसफर होगा और इस वजह से यहाँ पे बैलेंस होगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक सबको समझ में आया? देखिए फिगर को आप ढंग से देखिए। देखिए देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जिंक का आयन, यहाँ से जिंक का आयन निकल के सोल्यूशन बन जा रहा है। ठीक है, देखो मैं ये ड्राइंग अभी मिटाऊंगा, ठीक है, हटाऊंगा और उसका फिर से समझाऊंगा। इसको देखिए आप ढंग से देखिए जो दिखा रहा हूँ फिलहाल, यहाँ से जिंक निकल के सोल्यूशन में जाएगा, ठीक, और इस सोल्यूशन से कॉपर निकल के इस रॉड में जाएगा। गौरव ऐसा आलतू फालतू सवाल मत पूछो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से क्या होगा, जो चीज समझा रहे हो वो समझिए, फालतू का दिमाग मत लगाइए। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलता है जिंक से, जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो जो इसका आयन है ये क्या आ जाएगा, इसके सोल्यूशन, ठीक। अब सोल्यूशन में जब जाएगा यहाँ पे, तो सेम चीज यहाँ होगा लेकिन रिवर्स होगा। रिवर्स क्या होगा, तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर आयन निकल के कहाँ जाएगा, इस कॉपर में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है इस वजह से। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे जिंक का आयन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे सोल्यूशन में जिंक का आयन बढ़ता चला जाएगा, तो चार्ज का अनबैलेंस होता है, मतलब Zn2+ का जो चार्ज है ये SO4 2- से इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, ठीक। क्योंकि हमने जितना यहाँ सोल्यूशन लिया है उसमें SO4 का जो आयन होगा वो लिमिटेड होगा, लेकिन Zn का जो आयन है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। क्यों इंक्रीज करेगा, तो इस रॉड से Zn2+ के आयंस क्या हो रहे हैं, घुल रहे हैं इस वजह। तो जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए CuSO4 में जो कॉपर के आयंस है ये डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक, कॉपर के आयंस डिक्रीज कर रहे हैं। क्यों डिक्रीज कर रहे हैं, तो इस सोल्यूशन से जो कॉपर है वो कहाँ जा रहा है, तो इस कॉपर के रॉड में जा रहा है, इस वजह से हमारा कॉपर आयन घटता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज से बढ़ जाना चाहिए। तो डिक्रीमेंट यहाँ पे किसका हो रहा है, तो प्लस चार्ज डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इस जगह पे काम आता है ये सॉल्ट ब्रिज। देखो सॉल्ट ब्रिज में सर्कल कर रहा हूँ फिर से, इस जगह पे सॉल्ट ब्रिज काम आता है, ठीक है। अब देखिए सॉल्ट ब्रिज में